नमस्ते एंड वेलकम। मैं केशाराम, असिस्टेंट प्रोफेसर राजनीति विज्ञान। आज के इस व्याख्यान के अंतर्गत हम 2014 के अंतर्गत जो कॉलेज लेक्चरर की भर्ती आई थी उसके अंतर्गत जो पॉलिटिकल साइंस का पेपर हुआ उसका विश्लेषण करेंगे। इस व्याख्यान के अंतर्गत हम विशेष रूप से वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर से संबंधित प्लेटो से मैकियावेली तक जो क्वेश्चन पूछे गए थे उन क्वेश्चन का हम एनालिसिस करेंगे कि उन प्रश्नों की प्रकृति किस प्रकार की थी। तो कॉलेज लेक्चर 2014 के पॉलिटिकल साइंस के पेपर को लेकर के हम वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर के अंतर्गत पार्ट फर्स्ट के अंतर्गत प्लेटो से मैकियावेली तक के प्रश्नों का विश्लेषण करेंगे। प्लेटो से संबंधित एक क्वेश्चन पूछा गया था कि किसने प्लेटो की न्याय की अवधारणा को रचना प्रकल्प मूलक न्याय आर्किटेक्टोनिक थ्योरी ऑफ जस्टिस कहा। अब हम प्लेटो के न्याय सिद्धांत को अगर समझते हैं पढ़ते हैं तो यह क्वेश्चन ये बताता है कि प्लेटो के न्याय सिद्धांत को समझना तो अपने आप में महत्वपूर्ण है, लेकिन केवल प्लेटो न्याय के बारे में क्या कहता है इतना समझना ही प्रतियोगिता परीक्षा की दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि उसके साथ साथ ये भी देखना जरूरी हो जाता है कि प्लेटो के न्याय सिद्धांत के बारे में अन्य विद्वानों ने क्या टिप्पणियां की, तो उसको लेकर के ही यह प्रश्न पूछा गया है। तो प्लेटो का जो न्याय का सिद्धांत है उसको आर्किटेक्टोनिक थ्योरी ऑफ जस्टिस कौन कहता है? माइकल बी फोस्टर, एम बी फोस्टर, यह एक पाश्चात्य दार्शनिक है जिन्होंने मास्टर ऑफ पॉलिटिकल थॉट नाम से पुस्तक लिखी। इस पुस्तक का हिंदी अनुवाद हिंदी माध्यम कार्यान्वयन निदेशालय नई दिल्ली के द्वारा किया गया है। यह पुस्तक ओम प्रकाश गावा के द्वारा अनुदित पुस्तक है। इस पुस्तक के अंतर्गत स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि प्लेटो के न्याय सिद्धांत को एम बी फोस्टर है वो आर्किटेक्टोनिक थ्योरी ऑफ जस्टिस के रूप में वर्णित करते हैं। तो यह क्वेश्चन यह संदेश देता है कि किसी भी विद्वान की जो अवधारणा है उसको समझने के साथ साथ यह भी समझना जरूरी है कि उसके ऊपर विभिन्न विद्वानों ने किस तरह की टिप्पणियां की। दूसरा जो क्वेश्चन पूछा गया प्लेटो से संबंधित वह था निम्नांकित में से कौन प्लेटो को सर्वाधिकारवादी विचारक नहीं मानता है। यानी यह क्वेश्चन यह दिखाता है कि प्लेटो के ऊपर विभिन्न विद्वानों ने जो टिप्पणियां की तो उनमें से कौन सा विद्वान ऐसा है जो कि प्लेटो को सर्वाधिकारवादी विचारक नहीं मानता। कार्ल पॉपर, क्रॉसमैन, आर निस्बेट और बर्टेंड रसेल। तो कार्ल पॉपर तो प्लेटो का सबसे बड़ा आलोचक है। कार्ल पॉपर की जो किताब है द ओपन सोसाइटी एंड इट्स एनिमीज, इस पुस्तक के अंतर्गत कार्ल पॉपर प्लेटो, हीगल और कार्ल मार्क्स इन तीनों विद्वानों को ही वह मुक्त समाज का ओपन सोसाइटी का दुश्मन मानता है। आर क्रॉसमैन है यह भी प्लेटो को सर्वाधिकारवादी विचारक के रूप में वर्णित करता है। बर्टेंड रसेल यह भी प्लेटो को सर्वाधिकारवादी विचारक के रूप में वर्णित करता है, लेकिन आर निस्बेट यह प्लेटो को सर्वाधिकारवादी विचारक के रूप में वर्णित नहीं करता है। अगर आप राजनीति विज्ञान प्राध्यापक परीक्षा आर एस आडा की पुस्तक को देखोगे तो उसके अंतर्गत प्लेटो के जो आलोचक विद्वान है उनको और कौन प्लेटो के प्रशंसक विद्वान है उनको एक टेबल बना करके दिया गया है। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि प्लेटो को जो विचार है प्लेटो के द्वारा जो राजनीतिक दर्शन के संदर्भ में दी गई अवधारणाएं हैं उनको समझने के साथ साथ हमें यह भी समझना अनिवार्य हो जाता है कि प्लेटो को लेकर के विभिन्न विद्वानों ने उस पर किस प्रकार की टिप्पणियां की, क्योंकि हमारा मकसद ये होता है कि हम उन अवधारणाओं को भी समझे ताकि अवधारणात्मक क्वेश्चन आए तब उनका भी हम आंसर दे सके, और जब कोई फैक्चुअल क्वेश्चन पूछा जाए तथ्यात्मक क्वेश्चन पूछा जाए उनका भी हम अच्छी तरीके से आंसर दे सके। तो आरपीएससी ने कॉलेज लेक्चर 2014 के अंतर्गत प्लेटो के ऊपर ये दो क्वेश्चन पूछे थे। एरिस्टोटल यानी अरस्तु, कार्ल पॉपर के अनुसार अरस्तु की पॉलिटी का घटक नहीं है। यानी ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, डायरेक्ट ये नहीं पूछ रहा है कि
अरस्तु के क्या राजनीतिक विचार है, या उनमें से अरस्तु का राजनीतिक विचार कौन सा नहीं है, बल्कि यह संदर्भ देकर के क्वेश्चन पूछ रहा है कि कार्ल पोपर के अनुसार अरस्तु की जो पॉलिटी है, जो संवैधानिक शासन बहुतंत्र के रूप में, जो कि सर्वोत्तम शासन व्यवस्था के रूप में अरस्तु ने इंगित किया, उसका घटक कार्ल पोपर कौन सा नहीं बताता है। तो कार्ल पोपर इन तीन घटकों के बारे में बात करता है कि अरस्तु की जो पॉलिटी है उसके अंतर्गत प्लेटोवादी कुलीन तंत्र की लक्षण देखने को मिलते हैं, संतुलित सामंतवाद के लक्षण भी देखने को मिलते हैं, और जनतांत्रिक विचार यानी लोकतांत्रिक विचार है वो भी पॉलिटी के अंतर्गत देखने को मिलते हैं। और कार्ल पोपर यह भी कहता है कि जो अरस्तु की पॉलिटी शासन व्यवस्था है उसके अंतर्गत सामंतवाद का जो लक्षण है वो सबसे ज्यादा हावी है, लेकिन कार्ल पोपर इस पॉलिटी का, ये जो जैव व्यक्तिवाद का घटक है, इसके बारे में किसी प्रकार की कोई टिप्पणी नहीं करता है। अगर आप हिंदी माध्यम कार्यान्वयन निदेशालय के द्वारा जो पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन की पुस्तक देखोगे, सुब्रत मुखर्जी और सुशीला रामास्वामी की, तो उस पुस्तक के अंतर्गत ये सीधा लिखा हुआ है कि कार्ल पोपर ने अरस्तु की पॉलिटी के ये तीन घटक बताए हैं, प्लेटोवादी कुलीन तंत्र, संतुलित सामंतवाद और लोकतांत्रिक विचार, जिसमें कि सामंतवाद की जो लक्षण है वो सबसे ज्यादा हावी है। चौथा जो क्वेश्चन है वो है, निम्नांकित में से कौन सा अरस्तु के शिक्षण संस्थान का नाम था। ये तो सबसे इजी क्वेश्चन था और हर किताब के अंतर्गत ये क्वेश्चन मिल जाता है, इसका आंसर मिल जाएगा। तो अरस्तु की जो शिक्षण संस्था है वह थी द लाइसियम या द लीसियम, जबकि प्लेटो की जो शिक्षण संस्था थी वह थी द अकादमी। सिसरो से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया था, सिसरो से संबंधित जो क्वेश्चन था वह अवधारणात्मक क्वेश्चन था। तो यह क्वेश्चन यह भी संदेश देता है कि हमें अवधारणाओं को समझना भी जरूरी है। सिसरो से संबंधित निम्नांकित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन दिए हुए थे सिसरो के संबंध में। पहला कथन यह कहता है कि सब मनुष्य एक सार्वभौमिक कानून यूनिवर्सल लॉ के अधीन है। दूसरा जो कथन ये कहता है कि उनकी नियति, यानी किसकी नियति, सभी मनुष्यों की नियति एक ही राजनीतिक समाज के सह नागरिक फेलो सिटीजन होना है। तो ये दो कथन है वो सिसरो के संदर्भ में दिए गए थे। पहला कथन क्या कहता है, पहला कथन कह रहा है सब मनुष्य एक सार्वभौमिक कानून के अधीन है। अगर हम सिसरो की पॉलिटिकल फिलोसॉफी को समझते हैं तो सिसरो की जो पूरी की पूरी पॉलिटिकल फिलोसॉफी है वो नेचुरल लॉ के ऊपर है, प्राकृतिक कानूनों के ऊपर है। सिसरो प्राकृतिक कानूनों को बहुत ही महत्वपूर्ण मानता है और वो कहता है कि राज्य के द्वारा जिस तरीके से कानूनों का निर्माण किया जाता है वह प्राकृतिक कानूनों के अनुकूल होने चाहिए, और सिसरो प्राकृतिक कानूनों को सार्वभौमिक कानूनों के रूप में वर्णित करते हुए ये कहता है कि सभी मनुष्य है वो एक ही प्राकृतिक कानूनों के अधीन है, इसलिए सभी मनुष्य है वो समान है। दूसरी बात जो लिखी गई है कि उनकी नियति एक ही राजनीतिक समाज के सह नागरिक होना है, तो सिसरो ये कहता है कि जब सारे मनुष्य एक ही प्रकार के कानूनों, सार्वभौमिक कानून यानी प्राकृतिक कानून के द्वारा शासित है, तो एक वर्ल्ड स्टेट की कल्पना है वो भी सिसरो की राजनीतिक चिंतन के अंतर्गत देखी जा सकती है। तो ये जो कॉस्मोपॉलिटन सिटीजनशिप का आधुनिक जो कॉन्सेप्ट है वो सिसरो की राजनीतिक चिंतन के अंतर्गत भी देखा जा सकता है। तो ये जो दूसरा स्टेटमेंट है वो क्या कह रहा है, दूसरा स्टेटमेंट ये कह रहा है कि जो इस दुनिया के अंतर्गत मनुष्य है वो एक ही राजनीतिक समाज के, एक ही पॉलिटिकल सोसाइटी के फेलो सिटीजन है, ये उनका भाग्य है, ये उनकी नियति है। तो सिसरो से संबंधित ये जो दोनों कथन है दोनों ही कथन सही है। तो ये जो क्वेश्चन है ये बताता है कि किसी भी विद्वान की पॉलिटिकल फिलोसॉफी, उसके द्वारा जिस तरीके से कॉन्सेप्ट विकसित किए गए हैं, उन कॉन्सेप्ट को समझे बिना इस प्रकार के अवधारणात्मक प्रश्नों का आंसर है वो नहीं दिया जा सकता। एक्विनास से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया, संत थॉमस एक्विनास के शिष्य ने उनके ग्रंथ द रेगिमिने प्रिंसिपम को पूरा किया, यानी थॉमस एक्विनास के किस शिष्य ने थॉमस एक्विनास की जो अधूरी पुस्तक थी द रेगिमिने प्रिंसिपम, इस पुस्तक का कार्य संपूर्ण किया, तो वो था लक्का टॉलमी। तो
ये क्वेश्चन क्या दिखाता है, ये क्वेश्चन ये दिखाता है कि फैक्ट है वो भी अपने आप में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। मैकियावेली, निम्नलिखित में से किस दार्शनिक प्रश्न में मैकियावेली की रुचि नहीं थी? पहला जो स्टेटमेंट है वह शक्ति कैसे प्राप्त की जाती है और कैसे संरक्षित की जाती है। मैकियावेली की जो पॉलिटिकल फिलोसॉफी है, विशेष रूप से द प्रिंस, वह तो इसी के ऊपर लिखी हुई है कि राज्य के द्वारा या राजा का जो सुप्रीम मोटो होता है वो है पावर को हासिल करना और उस पावर को लगातार विस्तारित करना और उस पावर को बनाए रखना। इसी को लेकर के ही प्रिंस को मैकियावेली सलाह देता है कि किस तरीके से वो पावर हासिल कर सकता है और उस पावर को किस तरीके से प्रिजर्वेशन कर सकता है, उसकी सुरक्षा है वो राज्य की सुरक्षा की जा सकती है। दूसरा जो स्टेटमेंट है, कैसे राजनीतिक दायित्व पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन पूरे किए जा सकते हैं। मैकियावेली की संपूर्ण पॉलिटिकल फिलोसॉफी के अंतर्गत कहीं पर भी पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन के कॉन्सेप्ट की बात है वो नहीं देखने को मिलती। मैकियावेली कहीं पर भी राजा या राज्य को यह सलाह नहीं देता कि वह जनता के प्रति किस तरीके से उत्तरदायी रहे, जनता की जो डिमांड होती है उनको किस तरीके से पूरा करे, या राजा को जनता के प्रति वफादार होना चाहिए। इस तरह के नॉर्मेटिव क्वेश्चन से वो मैकियावेली की पॉलिटिकल फिलोसॉफी के अंतर्गत कहीं पर भी नहीं आते हैं। तीसरा जो स्टेटमेंट है वो सरकार मजबूत कैसे बनती है, यानी गवर्नमेंट को मजबूत कैसे बनाया जा सकता है, इसके बारे में भी मैकियावेली ने बात की। स्वतंत्रता कैसे संभव हो पाती है, अगर हम मैकियावेली की पुस्तक द डिस्कोर्स को देखें, डिस्कोर्स ऑन लिविंग, तो इस पुस्तक के अंतर्गत दो महत्वपूर्ण सिद्धांतों के ऊपर चर्चा की गई है, एक रिपब्लिक और दूसरा फ्रीडम यानी आजादी का सिद्धांत। इस द डिस्कोर्स पुस्तक के अंतर्गत मैकियावेली यह रोम के आदर्श गणराज्य का उदाहरण प्रस्तुत करते हुए यह दिखाता है कि किस तरीके से रोमन लोगों ने रोमन गणराज्य के अंतर्गत गणतांत्रिक संस्थाओं की सुरक्षा करके आजादी को हासिल किया। इसके साथ मैकियावेली राज्य की स्वतंत्रता के बारे में भी अपनी अनेक पुस्तकों के अंतर्गत चर्चा करता है। तो ये जो मैकियावेली का क्वेश्चन है यह पूर्णतः कॉन्सेप्ट के ऊपर आधारित है, यानी उसकी पॉलिटिकल फिलोसॉफी को समझना जरूरी होता है। पूरी पॉलिटिकल फिलोसॉफी को एकदम क्लियरली समझने के बाद ही इस प्रकार के क्वेश्चंस का आंसर है वो दिया जा सकता है। तो मैकियावेली की पॉलिटिकल जो क्वेश्चंस है, फिलोसॉफिकल क्वेश्चंस है, किसमें रुचि नहीं थी मैकियावेली की, कि कैसे राजनीतिक दायित्व पूरे किए जा सकते हैं, इसके अंतर्गत मैकियावेली की किसी भी प्रकार की रुचि है वो नहीं थी, बल्कि उसका तो जो सारा का सारा ध्यान था वो स्टेट की पावर सिक्योरिटी और स्टेट का प्रिजर्वेशन, स्टेट का विस्तार कैसे किया जा सकता है, स्टेट की फ्रीडम कैसे हो सकती है, गवर्नमेंट को मजबूत कैसे बनाया जा सकता है, इसी को लेकर कि वो राजा को सलाह देता है कि भले ही नैतिक अनैतिक किसी भी प्रकार के साधनों का इस्तेमाल करके राज्य के हितों की रक्षा होनी चाहिए। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया, द प्रिंस का अनुकरण करते हुए किसने 20वीं सदी में द मॉडर्न प्रिंस शीर्षक से पुस्तक लिखी, यानी ये क्वेश्चन मैकियावेली का संदर्भ देते हुए ही यह पूछा गया कि मैकियावेली की जो पुस्तक थी द प्रिंस, उसका अनुसरण करते हुए किसने 20वीं शताब्दी के अंतर्गत द मॉडर्न प्रिंस पुस्तक की रचना की। हालांकि आप असिस्टेंट प्रोफेसर का सिलेबस देखेंगे तो उसके अंतर्गत एंटोनियो ग्राम्सी भी शामिल है, इसको आप एंटोनियो ग्राम्सी में अभी रखें या मैकियावेली के अंतर्गत भी रखें। तो एंटोनियो ग्राम्सी ने द मॉडर्न प्रिंस की रचना की थी। एंटोनियो ग्राम्सी मैकियावेली की द प्रिंस से प्रभावित दिखाई देता है और वह द प्रिंस का अनुकरण करते हुए ही द मॉडर्न प्रिंस की रचना करता है। हालांकि यह एंटोनियो ग्राम्सी की पुस्तक है, वो अधूरी पुस्तक रह गई थी। द प्रिजन नोटबुक के अंतर्गत इस पुस्तक के बारे में भी विवरण है वो देखने को मिलता है। एंटोनियो ग्राम्सी ये कहता है कि आधुनिक युग के अंतर्गत प्रिंस कोई व्यक्ति नहीं होगा बल्कि कम्युनिस्ट पार्टी है वो प्रिंस की भूमिका निभाएगी और एक नए तरह की कम्युनिस्ट सोसाइटी की स्थापना है वो करेगी। तो हमने इस लेक्चर के अंतर्गत प्लेटो
एरिस्टोटल, सिसरो, एक्विनास और मैकियावेली से संबंधित जो आरपीसी ने कॉलेज लेक्चर भर्ती परीक्षा 2014 के अंतर्गत क्वेश्चन पूछे थे उन प्रश्नों का विश्लेषण किया और ये देखा कि किस तरीके से फैक्चुअल क्वेश्चन और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन दोनों का ही मिश्रण है वो पेपर के अंतर्गत देखने को मिलता है। यानी पूरी तरीके से कॉन्सेप्ट क्लियर होने के बावजूद भी अगर हमें फैक्ट के बारे में ज्यादा पता नहीं है तो भी हम कई क्वेश्चंस के आंसर है वो नहीं दे पाएंगे। दूसरी तरफ अगर हम केवल और केवल फैक्ट याद करें तो जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है उनका भी आंसर है वो नहीं दे पाएंगे। तो मेरा कहने का अभिप्राय यह है कि हम जब किसी भी कॉन्सेप्ट को पढ़े या किसी भी विद्वान की पॉलिटिकल फिलोसॉफी को पढ़े तब हम उसको इस तरीके से पढ़े कि पहले तो हम उससे संबंधित जो उसकी पॉलिटिकल फिलोसॉफी और कॉन्सेप्ट है वो क्लियर करें, उसके बाद में हम उससे संबंधित जितना भी तथ्यात्मक विवरण है अन्य विद्वानों के द्वारा उन पर की गई टिप्पणियां या पुस्तकें हैं उनको भी याद करने की कोशिश करें। जब हम कॉन्सेप्ट को समझते हुए फैक्ट को याद करते हैं तो वो कॉन्सेप्ट और फैक्ट दोनों ही हमारे स्थायी रूप से मस्तिष्क के रूप में स्थापित हो जाते हैं और लंबे समय तक वो हमारे दिमाग के अंतर्गत बने रहते हैं। तो हम जब पढ़े तब पहले कॉन्सेप्ट पढ़े फिर फैक्ट देखें। और मेरी एक ये भी सलाह है कि जब हम नोट्स बनाएं तो संपूर्ण रूप से हम नहीं लिखें बल्कि हम वही चीजें लिखें जो हमें याद नहीं है, हमारे सामने कोई नई चीज आती है तो उनको लिखें ताकि हम रिवीजन करें तब बार बार उन तथ्यों का रिवीजन करें, उन कॉन्सेप्ट का रिवीजन करें जो कि हमारे दिमाग के अंतर्गत स्थायी रूप से प्रवेश नहीं कर पाए हैं। तो हमारा जो ध्यान है वो भी उनके ऊपर ही जाएगा और वो चीजें हमारे दिमाग के अंतर्गत स्थायी रूप से फिट हो जाएगी। तो आप इसी तरीके से नोट्स का भी निर्माण करें। तो हमने प्लेटो से लेके मैकियावेली तक जो क्वेश्चन पूछे गए थे उनका विश्लेषण करने का प्रयास किया। उम्मीद करता हूं कि यह व्याख्यान आपको पसंद आएगा और थोड़ा बहुत आपको ये भी पता चला कि हमें अध्ययन किस तरीके से करना चाहिए। धन्यवाद।